तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई और अब दिल्ली में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा है। अरविंद केजरीवाल बादली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने एक भव्य रोड शो किया। दिल्ली के दंगल में नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद बुधवार से चुनाव प्रचार जोरों से शुरू हो गया है। नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म होने के अगले दिन बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल बादली विधानसभा पहुंचे। बादली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। रोड शो शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और तमाम काम गिनवाए। केजरीवाल ने कहा, हमारी सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य में बहुत काम किए हैं, अगर किसी और की सरकार आई तो शिक्षा और स्वास्थ्य का वापस बुरा हाल हो जाएगा। तो 5 साल में हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों की जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा सुकून दे सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला सके, वो हमने पूरी कोशिश की। हमने बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, स्कूल अच्छे कर दिया आपके बच्चों के लिए, अस्पताल अच्छे कर दिया आपके बच्चों के लिए, पूरी दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब 70 साल का काम 5 साल में तो नहीं हो सकता ना, 5 साल में काफी कुछ किया है। और मैंने तो ऐसे काम किया है जैसे अपने घर में एक बड़ा बेटा होता है। केजरीवाल के रोड शो में स्थानीय विधायक अजेश यादव भी मौजूद रहे। टोटल न्यूज के साथ बातचीत में अजेश यादव ने इस बार भी अपनी जीत का दावा किया और केजरीवाल सरकार के काम गिनवाते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल के सुर में सुर मिलाए। अब की बार आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली जोश में है और पूरी दिल्ली कह रही है अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, और दिल्ली की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, इसलिए बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहने सभी रोड पे उतर आए और सब कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ वोट मांगने की, दिल्ली की जनता खुद वोट दे रही है। 49 दिन की सरकार जो रही उसमें दिल्ली की जनता ने देख लिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं जानता, और भ्रष्टाचार मुक्त कर दी थी दिल्ली। जाहिर है नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आज से आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और बुधवार से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बादली विधानसभा से की। लेकिन अब गेंद जनता की पाली में है और जनता को ही फैसला करना है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। दिव्यांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।